महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 1485 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 27 मरीजों की मौत हो गई है, जिसके बाद संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 65,93,182 और मृतकों की तादाद 1,49,816 हो गई है। ये जानकारी राज्य स्वास्थ्य विभाग ने सोमवार को दी है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक राज्य में पिछले 24 घंटे में 2,078 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। इसके बाद सभी को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। राज्य में अब तक कुल 64,21,756 लोग संक्रमण से मुक्त हो गए हैं। राज्य में आज रिकवरी रेट 97.4 और डेथ रेट 2.12% दर्ज किया गया है। फिलहाल में राज्य में 28,008 एक्टिव केस हैं और इन सभी का इलाज चल रहा है। वहीं 2,08,613 होम क्वारंटीन में हैं और 961 लोग संस्थागत क्वारंटीन में हैं। गौरतलब है कि रविवार को राज्य में 1,715 मामले सामने आए थे और 29 संक्रमितों की मौत हुई थी। हालांकि अच्छी बात ये रही है कि 2,680 लोग इस खतरनाक बीमारी से ठीक होकर घर लौटे हैं। मुंबई में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। आज 373 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 4 लोगों की मौत हो गई है। इसके अलावा 543 लोग कोरोना से ठीक होकर घर लौटे हैं। यहां आज रिकवरी रेट 97% दर्ज किया गया है। मुंबई में नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 7,51,181 हो गई है, जबकि 16,184 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 7,27,627 लोग ठीक हो चुके हैं। फिलहाल मुंबई में 4,853 संक्रमितों का इलाज चल रहा है। मुंबई में आज 30,114 लोगों की कोरोना टेस्ट किए गए हैं। अब तक यहां 1,09,87,506 नमूनों की जांच की जा चुकी है। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।